को डाउनलोड करिए और ऑप्शन बहुत सारे जुड़े रहिए, जैसा कि हमारी सरकार द्वारा युवाओं के ऊपर
असीमित भरोसा करने की हमारी प्रतिबद्धता को यह स्वाभाविक रूप से दर्शाता है। मैं इससे पहले भी अलग अलग मंचों से इस बात का जिक्र कर चुका हूँ और आज फिर से मैं इस बात को दोहराता हूँ कि पिछली सरकारों में और हमारी सरकारों में बड़ा अंतर है, वह अंतर है सरकारों के नजरिए। करने के लिए मौजूद है युवा हृदय सम्राट और भाजपा नेता नीरज सिंह। सर, एमएस टुडे में आपका बहुत बहुत स्वागत है। कौशल महोत्सव का दूसरा दिन है, कितने बच्चों को रोजगार, कितने कैंडिडेट्स को रोजगार दिया, क्या कुछ प्रारूप था? देखिए, अभी हमें पूरी टैली करके बताना होगा फिगर, पर मुझे जहां तक लगता है कि करीबन 8000 से ज़्यादा अभ्यर्थियों को हम ऑफर लेटर देने में सक्षम हो पाए हैं। और मैं साधुवाद देता हूं हमारे रक्षा मंत्री माननीय राजनाथ सिंह जी का, जो यहां पर आए, अभ्यर्थियों को उन्होंने अपने हाथों से ऑफर लेटर दिए। NSDC का मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं कि अनवरत हर वर्ष वह आकर यहां पर इस प्रकार के आयोजन करके तमाम कंपनियों के माध्यम से हमारे युवाओं को आर्थिक भागीदारी देने का काम कर रहे हैं भारत की इस विकास यात्रा में। निश्चित रूप से जो 90 कंपनियां यहां पर आई हैं, हमारे युवाओं को अच्छे से अच्छा ऑफर देकर उनके लिए, उनके भविष्य के निर्माण के लिए एक बहुत बड़ा अवसर दे रही हैं, मैं उनका भी बहुत बहुत अभिवादन करता हूं। सर, एजुकेशन के साथ साथ स्किल डेवलपमेंट के लिए क्या कुछ इनिशिएटिव सरकार द्वारा लिए जा रहे हैं? सरकार सदैव स्किल इंडिया के माध्यम से, स्टैंड अप इंडिया के माध्यम से, मुद्रा योजना के माध्यम से हमारे युवाओं को रोजगार ही नहीं, स्वरोजगार के क्षेत्र में भी उनको सशक्त करने का काम कर रही है। तभी आप देख रहे होंगे कि सरकार की अभी जो आंकड़े आए नीति आयोग के, 3.1 बेरोजगारी दर रह गई, न्यूनतम पर पहुंच गई। और मुझे लगता है कि अपने आप में हमारे मोदी जी के विजन को और उनके मिशन को भी दिखाने का काम करता है कि कैसे युवाओं को हम सशक्त कर पाएं। सर, 2024 के लिए क्या कुछ मिशन और विजन होगा सर पार्टी का? हम अपने कार्यों का लेखा जोखा लेकर जनता के बीच में जाएंगे और इतने कार्य किए गए हैं, भारत का मान सम्मान पूरे विश्व में बढ़ा है, हमारे सांस्कृतिक धरोहर आज पुनः उद्धृत रूप पा रहे हैं, हम गांव, गरीब, पिछड़ों, दलितों सब तक अपनी विकास की यात्रा को लेकर जा चुके हैं। मुझे लगता है हमारे संगठनात्मक रूप से भी हमने पूरी तैयारी कर रखी है। हम 400 पार का जो लक्ष्य है हमारे कार्यकर्ताओं को, हम उस लक्ष्य को हम जरूर भेदेंगे, ऐसा मुझे पूरा विश्वास है। मैं प्रमोद कुमार पुंडीर, एडिशनल डायरेक्टर हूँ एम्प्लॉयमेंट डिपार्टमेंट में। ये जो कौशल महोत्सव 9 और 10 तारीख को मनाया जा रहा है, ये माननीय रक्षा मंत्री जी के निर्देशन में NSDC और उत्तर प्रदेश में जो श्रम एवं सेवायोजन विभाग है उसके संयुक्त तत्वाधान में संचालित किया जा रहा है। इसमें 100 से अधिक कंपनियां पार्टिसिपेट कर रही हैं और करीब 20,000 से अधिक जो अभ्यर्थी हैं, इसमें ज़्यादा अभ्यर्थी इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। हम उम्मीद कर रहे हैं कि आज और कल को मिलाकर 8,000 से अधिक जो अभ्यर्थी हैं इसमें रोज़गार पा सकेंगे। इसमें विभिन्न क्षेत्रों की कंपनियां आई हुई हैं, IT सेक्टर की हैं, FMCG हैं, ITES हैं, फार्मास्यूटिकल हैं, एयरलाइंस, कई सारे फील्ड की कंपनियां यहां पे आई हुई हैं। आगे सर क्या कुछ विजन मिशन है विभाग का? विभाग उत्तर प्रदेश सरकार का जो सेवाजन विभाग है वो कंटिन्यूसली इस तरह के रोजगार मेले आयोजित करता रहा है और हम लोग अभी 10,000 जो निर्माण श्रमिक हैं उनको इसराइल में भेजने का कार्य हमारे विभाग द्वारा किया जा रहा है। आगे भी हम लोग इस तरह से जो ओवरसीज प्लेसमेंट हमें उपलब्ध होगा उसको हम लोग, इन जो स्किल्ड वर्कर्स हैं उनको विदेश में भेजने का काम करेंगे। देश और प्रदेश में भी विभिन्न कंपनियों में हम लोग बेरोजगार अभ्यर्थियों को रोजगार दिलवाने का कार्य कर रहे हैं। मेरा नाम चंद्रेश तिवारी है और मैं सौभाग्य फाउंडेशन से हूँ। और ये जो महोत्सव में आप लोग द्वारा सहभागिता की जा रही है, इसके लिए क्या कुछ स्किल सेट आप ढूंढ रहे थे और क्या कुछ आपको मिला इस पूरे महोत्सव से? पहली चीज तो मैं यहाँ पर धन्यवाद करना चाहूँगा राजनाथ जी का और CM योगी आदित्यनाथ जी का, ब्रजेश पाटिल का और NSDC का, जिसने ये आयोजन करवाया और हम लोग के मतलब एक मौका दिया यहाँ पे नियुक्ति करने के लिए। क्योंकि जो हमारा फाउंडेशन है सौभाग्य फाउंडेशन, वो स्पेशली दिव्यांगों बच्चों के लिए काम करता है और
विश्व का सबसे बड़ा जो भी हमारा आवासीय जो है सेंटर वो हम लोग रन करते हैं। 5 सेंटर हमारे यहाँ पे हैं, लखनऊ में 2 हैं, 1 झांसी में, कानपुर में, गोरखपुर में। तो दिव्यांगों के लिए हम लोग बेसिकली काम करते हैं, चाहे वो SHI हो, OH हो या LV हो, जो भी लो विजन वाली हो। सरकार से हमें सहयोग मिल ही रहा है, लेकिन हम चाहते हैं कि अगर और सहयोग मिलेगा तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। उससे ये होगा कि दिव्यांगजन जो है वो मुख्य धारा में आने का उनका काम होगा। देखिए, बेसिकली ये CDO ऑफिस से मेरे को एक कॉल आया था रिगार्डिंग दिस एम्प्लॉयमेंट फेयर। सो व्हेन आई विजिटेड द ऑफिस, इट वाज अ मीटिंग, तो CDO लखनऊ से जब मेरी बात हुई तो एज अ होल इन टोटैलिटी जब मैंने उन्हें बताया कि डिफरेंट स्कूल्स में हम लोग अलग अलग चीज़ों के लिए लोगों को अपॉइंट करते हैं, तो उन्होंने कहा कि वाई नॉट यू कैन रजिस्टर योर एसोसिएशन और उसके बेसिस पे। तो जब ये डिस्कशन हुआ तो मैंने भी कुछ उनको अपने बातें बताई और चीज़ें करी, तो एक फाइनली NSDC के पोर्टल पे हम लोगों ने अपनी एसोसिएशन को रजिस्टर किया। और मुझे खुशी ये बात है कि कहीं ना कहीं एम्प्लॉयमेंट देने में अनएडेड प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन का एक मेजर रोल रहा है, क्योंकि यहाँ पर लगभग 600 से अधिक CVs जो हैं वो शॉर्टलिस्ट किए गए थे, जिसमें से लगभग 122 लोगों को फाइनली सेलेक्ट, और आज करेंट में 22 लोगों को, क्योंकि ऑफर लेटर इंडिविजुअल स्कूल देगा। तो यहाँ पर जो लोग आ गए थे, जैसे हमारे सेंट जोसेफ की मैं बात करूँ तो मैंने आज यहाँ पर 10 लोगों को आके फाइनल कर दिया। तो ये कैंडिडेट्स, इनसे भी आपने बात करी है, ये फाइनली इनको जॉब मिल गया है। 14 तारीख से इनकी ज्वाइनिंग हो जाएगी, इनको 13 तारीख को बुलाया जाएगा, ब्रीफिंग कर दी जाएगी, जिसको जो रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाएगी वो करेंगे। यहाँ पर सैलरी स्ट्रक्चर 10 से 15 हज़ार का कहा गया था, मुझे लगता है कि हमारे यहाँ अपर एंड पर ही सारे लोग रहेंगे, उससे ऊपर की ही सैलरी पर जाएंगे, और ऐसे ही ज़्यादातर स्कूलों में रहेगा। तो वो सारी चीज़ें जो हैं वो एक है। हाँ, ऑब्वियसली जो कौशल विकास के इस मतलब महोत्सव इसको नाम दिया गया है, वो एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है उन कैंडिडेट्स के लिए, लेकिन मैं एक साथ ही सुझाव भी दूंगा, केवल डिग्री ले लेना मकसद नहीं होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर जो हमारा ओवरऑल इन टोटैलिटी ऑब्जर्वेशन लिखा रहा है कि आपकी डिग्री तो BSc, MSc, BEd सब कुछ किया हुआ है, बट आप 2 लाइनें भी हिंदी की और 2 लाइनें इंग्लिश की नहीं लिख पा रहे हैं। ये कमी है हमारी शिक्षा व्यवस्था की। तो जो लोग शिक्षा दे रहे हैं, मेरा उनसे भी अनुरोध है, और जो बच्चे पढ़ रहे हैं दोनों से, कि जब आप रोज़गार सबको मिल सकता है यदि आपके अंदर एबिलिटी, क्वालिटी, और अगर आप कॉम्पिटेंट हैं। किसी भी इनकॉम्पिटेंट व्यक्ति को कोई भी रोज़गार देना नहीं चाहेगा। तो ये दोनों लोगों की म्यूचुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि चीज़ों को लेकर चलें। लेकिन CDO ऑफिस, CDO सर जो है हमारे IAS ऑफिसर हैं, ही इज़ अ वेरी यंग एंड डायनेमिक ऑफिसर। मैं ऑब्वियसली तारीफ करूँगा कि एक उन्होंने बहुत बढ़िया इनिशिएटिव लिया, और आगे हम लोगों को शायद PGT के बाद जो रिक्रूटमेंट के लिए हैं, उन्होंने कहा उसके लिए भी एक और रास्ता निकालेंगे, तो डेफिनेटली वी विल बी एबल टू गिव मोर एम्प्लॉयमेंट टू द कैंडिडेट्स हु आर एक्चुअली द डिजर्विंग वन। थैंक यू सो मच। मेरा नाम अविरल सोनकर फ्रॉम अनएडेड प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन एंड आई एम रिप्रेजेंटिंग सेंट जोसेफ कॉलेज। कौशल विकास ने जब ये हमें बताया था कि वी हैव टू डू अन जॉब फेयर, ये अराउंड 15 दिन पहले हमारे पास कॉन्टैक्ट किया था उन्होंने। उसके बाद हम लोग ने ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवाए, उसके बाद पोस्टिंग की, जॉब पोस्टिंग की, जॉब डिस्क्रिप्शन डाल के उसके बाद ऑनलाइन अप्लीकेशन कैंडिडेट्स की आ रही थी। उसके बाद 2 दिन का यहाँ पे महोत्सव था जिसके अंदर कैंडिडेट्स ऑफलाइन भी अप्लाई कर रहे थे। देन कई सारे कैंडिडेट्स आए जिनकी क्वालिफिकेशन मैच भी कर रही थी, नहीं भी मैच कर रही थी, बट 90% वॉकिंस हुए। उसके बाद हम लोगों ने उनके क्रेडिबल देखा कि मतलब वो लायक थे कि नहीं जॉब के, और उनका फिर क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस मैच किया, उसके बाद हमने उनको ऑफर लेटर दिया। हेलो, माय नेम इज पूर्णिमा सिंह, आई एम फ्रॉम हरदोई। आप कौशल विकास महोत्सव में, कौशल रोजगार मेला में आज आपने सहभागिता की जी, किसके बैनर तले आपको रोजगार मिला? मुझे मतलब उसके बायोलैब टेक्नीशियन के पे मतलब मिला है। हेलो, माय नेम इज तृप्ति राय, आई एम फ्रॉम लखनऊ। मेरा एजुकेशन क्वालिफिकेशन MSc केमिस्ट्री से है, और मैं केमिस्ट्री लैब असिस्टेंट के पोस्ट पे अप्लाई कर रही हूँ। शिका है, और मुझे एसोसिएशन के साइड से रोजगार मेला के थ्रू लाइब्रेरी असिस्टेंट के रूप में जॉब मिली। नेम इज़ सनु पांडे एंड आई एम फ्रॉम लखनऊ। थैंक्स टू दिस सर कि इन्होंने मुझे जॉब दी, और मुझे बहुत अच्छा लगा इस कौशल विकास में आके कि हमें रोज़गार मिला। थैंक यू सो मच आपको भी सर, और आपको भी थैंक यू सर। मेरे दोस्त ने मुझे बताया था जो है लखनऊ यूनिवर्सिटी में जॉब करता है, तो उसने मुझे बोला था कि यहाँ वो मेला लगा है तो तुम आ सकती हो, जॉब अपॉइंट कर सकती हो, तो इसलिए मैं आई थी। सर, मेरा नाम मोहित प्रताप सिंह है, लखनऊ का रहने वाला हूँ।
मुझे जैसा कि पता चला कौशल महोत्सव के उससे, तो मैंने ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन किया, मुझे यहाँ हायरिंग के लिए बुलाया गया। तो थैंक्स, धन्यवाद करता हूँ सर का, वजह से मुझे जी किस पोस्ट के लिए हायरिंग हुई आपसे? मेरी पोस्ट सर, पोस्ट इलेक्ट्रीशियन एंड ड्राइविंग। आल मेरी टीम जो यहाँ पर आए, हम लोगों को रोज़गार मिला, ये पूरी टीम का धन्यवाद। इसके साथ हम लोगों का इलेक्ट्रीशियन की पोस्ट पे आज मुझे रोज़गार मिला है। मेरा नाम त्रिलोक सिंह है, मैं आर्मी से रिटायर्ड हूँ, तो मैं एक जॉब की तलाश में था, तो जब मुझे रोज़गार मिलने का पता चला, मैंने प्ले स्टोर से इसका ऐप डाउनलोड किया, उसके बाद इसका एडवर्टाइजमेंट चल ही रहा था, तो यहाँ पर आकर के इसके बारे में पता चला, मुझे इस काउंटर में आया और मुझे अब लगा कि मेरी एलिजिबिलिटी और इस फील्ड में ही मैंने काम किया है, तो मुझे मेरा यहाँ पर कंप्यूटर ऑपरेटर लैब असिस्टेंट के लिए हुआ है। मेरा नाम अभिषेक वर्मा है, मेरा लाइब्रेरी असिस्टेंट में हुआ है और मुझे नेट इंटरनेट के थ्रू यानी सोशल मीडिया के थ्रू इसके बारे में पता चला कौशल में कि यहाँ पे जॉब हायरिंग की जा रही है और मेरा फाइनली यहाँ पे सिलेक्शन हो गया है लाइब्रेरी असिस्टेंट के तौर पर। लखनऊ कौशल महोत्सव का दूसरा दिन हम इस समय मौजूद राजधानी लखनऊ के लखनऊ विश्वविद्यालय में, जहां पर कौशल महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। आज के दिन मुख्य अतिथि के तौर पर राजनाथ सिंह पहुंचे थे यहां पे और साफ तौर पर जो तमाम कैंडिडेट्स थे उनको ऑफर लेटर दिया आज, और ऑफर लेटर देने के साथ ही कार्यक्रम का समापन किया। कैमरामैन कुंदन सिंह के साथ मैं सचिन तिवारी, मिस्टर डे लखनऊ।